पीएम नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों और वैक्सीनेशन अभियान का लाभ उठाने वाले लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। गोवा में 100% व्यस्त जनसंख्या को पहला टीका लगाए जाने का अभियान पूरा होने के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ईडी ने मुंबई में फिल्म निर्माता पराग सांघवी के दफ्तर समेत कुछ ठिकानों पर छापे मारे। पराग सांघवी बैंक धोखाधड़ी के आरोपों पर घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत से कर दी। ये तुलना नवजोत सिंह सिद्धू के उस बयान पर की गई जिसमें उन्होंने केंद्र के कृषि सुधारों के बहाने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच प्राइवेट मंडी स्थापित करन दे लई मोदी सरकार दे खेती कानूनां विचों एक नूं नोटिफाई किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर सिद्धू को पंजाब की राजनीति की राखी सावंत बता दिया। राघव चड्ढा को जवाब देने के लिए सिद्धू ने भी एक ट्वीट किया और उन पर तंज कसा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई जो टिकट के दावेदारों के नाम छांटेगी। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल हुए जहां उन्होंने पौधा लगाया। इसी के साथ सीआरपीएफ ने देश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने के अभियान को पूरा कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन हम ये लक्ष्य को पूरा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने पुंछ में एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर सेना पर ही विवादास्पद टिप्पणी कर दी। आज की जो मुसीबत है उसकी कोई शक्ल नहीं है, मगर वो हर जगह मौजूद है, कोई बात करता है, जवान बोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने उन पर पलटवार करने में देरी नहीं की। महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर ऐतराज जताया। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। खबर है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने के पक्ष में देश की एक भी राज्य सरकार नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सभी राज्यों ने पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया। यूपी के शिक्षा मंत्री ने तो न्यूज 18 से बातचीत में ही खुलकर कहा कि मौजूदा व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। बहुत रिलीफ मिल सकता है जनता को, ऐसा मतलब ओपिनियन है। नहीं, जनता को रिलीफ जो है, जो व्यवस्था पर प्रेजेंट है उसमें ठीक है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजीत पवार भी इसके पक्ष में नहीं दिखे। राज्य सरकारों की सबसे बड़ी कमाई पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वैट से ही होती है। राज्य सरकार टैक्स लावण्याचा अधिकार कुठेतरी कमी करण्याच्या बद्दलचा एखादा। पीएम मोदी के जन्मदिन पर भारत ने वैक्सीनेशन अभियान में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। देश में एक दिन में कोरोना के 2.5 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए गए। पीएम ने रिकॉर्ड संख्या में वैक्सीन लगाए जाने को हर भारतीय के लिए गर्व का पल बताया। साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन के इस अभियान में तेजी बनाए रखने की अपील की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया और केवल 9 घंटे में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। पीएम के 71वें जन्मदिन पर देश के कोने कोने में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन सबसे खास रहा पीएम के जन्मदिन पर चलाया गया वैक्सीनेशन अभियान, जिसके लिए बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अलग अलग अंदाज अपनाया। भोपाल में तो राज्य के मंत्री विश्वास सारंग ने इस महाअभियान की शुरुआत हनुमान चालीसा का पाठ करके की। जिसके बाद उनके सामने ही कुछ लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। सरकार ने टारगेट रखा था कि पीएम के 71वें जन्मदिन पर 9 घंटे में 2 करोड़ टीके लगाए जाएंगे, जिसमें उसे लोगों का पूरा साथ मिला। लोग जो हैं सुबह से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और सूत्र बताते हैं कि यह स्वास्थ्य मंत्रालय जो है आज टारगेट किया है 2 करोड़ लोगों को टीका लगवाने का।
जनता के उत्साह और स्वास्थ्य कर्मियों की मेहनत से ये लक्ष्य पूरा भी हुआ, जिसकी खुशी स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर मनाई और उन्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाए। बीजेपी इस बार पीएम के जन्मदिन को सेवा और समर्पण दिवस के तौर पर मना रही है और उसके कार्यकर्ता सुबह से ही लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर तक लाने में जुट गए और शाम होते होते उनकी मेहनत ऐसा रंग लाई कि पीएम के जन्मदिन पर वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बन गया। जानकारी मिली है कि पीएम के जन्मदिन के दिन हर सेकेंड देश में 500 से ज्यादा लोगों को टीका लगा, इसलिए टीका लगवाने का वक्त खत्म होने से पहले ही 2 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया। केवल 9 घंटे में 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया। यूरोप में टीके की 77 करोड़ 70 लाख डोज दी गई, जबकि भारत में यह आंकड़ा 78 करोड़ 40 लाख। यही नहीं, भारत की तैयारी है कि इस महीने लोगों को कोविशील्ड की 20 करोड़ और कोवैक्सीन की 3 करोड़ से ज्यादा डोज दी जाए। मतलब ये कि भारत जल्द ही वैक्सीन की 100 करोड़ डोज दे देगा। यही नहीं, प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर उन्हें भेंट में मिले स्मृति चिन्हों और तोहफों की ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई। न्यूज 18 के अमित पांडे की रिपोर्ट है कि इस बार ऑनलाइन नीलामी की मुख्य थीम खेल है और हाल ही में ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने जो उपहार पीएम को दिए थे उन्हें भी नीलामी में रखा गया है। नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक्स में जिस भाले का इस्तेमाल किया था उसका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपए रखा गया और पहले ही दिन उसकी बोली 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक पहुंच चुकी। वहीं गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई के बैडमिंटन रैकेट का बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया, उसकी बोली भी 10 करोड़ के ऊपर पहुंच गई। इस ऑनलाइन नीलामी में महिला हॉकी टीम की हॉकी स्टिक और पीवी सिंधु के बैडमिंटन रैकेट समेत कई चीजें नीलामी के लिए रखी गई। ऑनलाइन नीलामी की यह प्रक्रिया 7 अक्टूबर तक चलेगी और इससे जुटाए गए पैसों को नमामि गंगे प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। उन्होंने जिस गर्मजोशी के साथ हम सबको बुलाया और सम्मान दिया और जैसे आज पूरे देश को हम लोगों की छोटी छोटी चीज़ों को समर्पित किया है तो बहुत खुशी होती है, धन्यवाद देना चाहते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन के मंच से अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के आतंक पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में ड्रग्स, अवैध हथियारों का कारोबार और मानव तस्करी बढ़ सकती है। बड़ी मात्रा में अत्याधुनिक अमेरिकी हथियार अफगानिस्तान में रह गए हैं, इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इसके अलावा पीएम मोदी ने अफगानिस्तान में लगातार बढ़ती कट्टरता को पड़ोसी देशों के लिए बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कट्टरवाद से लड़ने के लिए तकनीकी विकास पर जोर देने की बात कही। अपने 71वें जन्मदिन के मौके पर जब देश जश्न मना रहा था तब पीएम मोदी पाकिस्तान और अफगानिस्तान को निशाने पर ले रहे थे। SCO यानी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में पीएम मोदी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मौजूदगी में आतंकवाद और कट्टरवाद पर तीखा हमला बोला। इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। इस मौके पर पीएम मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर भी गहरी चिंता जताई। उन्होंने कट्टरवाद को ही शांति, सुरक्षा और आर्थिक विकास में सबसे बड़ी रुकावट बताया। सबसे बड़ी चुनौतियां शांति, सुरक्षा और ट्रस्ट डेफिसिट से संबंधित है और इन समस्याओं का मूल कारण बढ़ता हुआ रेडिकलाइजेशन है। अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम ने इस चुनौती को और स्पष्ट कर दिया है। इस मुद्दे पर SCO को पहल लेकर कार्य करना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि अफगानिस्तान में कट्टरता बढ़ी और इसने पड़ोसी देशों के लिए चुनौती बढ़ा दी है। पीएम मोदी ने कट्टरवाद से लड़ने की तकनीक के विकास पर जोर दिया। अगर अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा, अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग
किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। तीसरा विषय यह है कि इससे ड्रग्स, अवैध हथियारों और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का अनियंत्रित प्रभाव बढ़ सकता है। बड़ी मात्रा में एडवांस वेपन्स अफगानिस्तान में रह गए हैं। इनके कारण पूरे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बना रहेगा। इन फ्लोस को मॉनिटर करने और इंफॉर्मेशन शेयरिंग बढ़ाने के लिए एससीओ रेड्स मैकेनिज्म्स सकारात्मक भूमिका निभा सकता है। ऐसे समय में जब अफगानिस्तान में तालिबान कट्टरपंथियों और पाकिस्तान सरकार के बीच दोस्ती देखने को मिल रही है, पीएम मोदी ने इशारों में ही दुनिया को बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। दरअसल तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान से जुड़े देशों में आतंकवाद का खतरा बढ़ गया है। अफगानिस्तान संकट में पाकिस्तान की भी भूमिका खुलकर सामने आई है। ऐसे में संघाई सहयोग संगठन के मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलने का मौका मिला तो अफगानिस्तान के आस पड़ोस के नेताओं के सामने उन्होंने कट्टरपंथ को सबसे बड़ी चुनौती और खतरा करार दिया। पीएम मोदी आतंकवाद और कट्टरवाद के खतरे से अफगानिस्तान की सीमा पर बसे एससीओ के सदस्य देशों को आगाह कर रहे थे, इससे निपटने के लिए मजबूत होने की सलाह दे रहे थे, लेकिन पाकिस्तान अपना ही राग अलाप रहा था। आतंकवाद को पालने पोसने वाला पाकिस्तान खुद को ही आतंकवाद का शिकार बताकर घड़ियाली आंसू बहाने लगा। पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ जंग में 80,000 से ज्यादा जानें कुर्बान की हैं। आतंकवाद से लड़ते लड़ते हमारी इकॉनमी चौपट हो गई है। आतंकवाद से पाकिस्तान की आर्थिक बर्बादी की दुहाई देने वाले इमरान यहीं नहीं रुके, वो इस मौके पर भी अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का समर्थन करने से नहीं चूके। इमरान ने तालिबान को मान्यता के मुद्दे की तरफ इशारा भी कर दिया। अफगानिस्तान की वास्तविकता को दुनिया को स्वीकार करना चाहिए। पाकिस्तान का मानना है कि अफगान लोगों को अपने फैसले खुद करने चाहिए। अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। पाकिस्तान आतंकवाद और आतंकियों को लेकर हमेशा ही डबल गेम खेलता है। एक तरफ वो आतंकवाद के खिलाफ जंग की बात करता है और खुद को उसका शिकार बताता है, तो दूसरी तरफ तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और अलकायदा जैसे खूंखार आतंकवादियों को पनाह भी देता है। लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान की चाल जानते हैं, इसलिए वैश्विक मंच पर भी उन्होंने पाकिस्तान पर हमला बोलने का मौका नहीं छोड़ा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिला प्रशासनों को बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा लेने का निर्देश दिया। और इस बीच योगी सरकार में मंत्री स्वाति सिंह भी लोगों का हालचाल जानने के लिए लखनऊ की सड़कों पर उतरी। घुटनों तक भरे पानी में उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया। वहीं सड़कों से पानी निकलने में हो रही देरी पर उनका पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया। लखनऊ के कई इलाके पूरी तरह बारिश के पानी में डूबे दिखाई दिए। इन हालात में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हें हुई जिन्हें अपने घरों से बाहर निकलना पड़ा। ऐसी ही तस्वीरें हरदोई से भी सामने आईं। वहां भी भारी बारिश के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गईं। पानी में डूबी सड़कों पर गाड़ी चलाना तक मुश्किल हो गया। पैदल चलने वालों को तो और भी परेशानी उठानी पड़ी। इटावा में भी बारिश आफत बनकर बरसी। निचले इलाकों के साथ ही जिले के सभी सरकारी दफ्तरों के बाहर पानी भरा हुआ नजर आया। यूपी में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। अयोध्या में आज से बीजेपी ओबीसी मोर्चा की राज्य कार्यकारिणी की 2 दिन की अहम बैठक शुरू होगी। बीजेपी के राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में यूपी के सभी ओबीसी सांसद और विधायकों के अलावा यूपी बीजेपी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बैठक में शामिल होने अयोध्या पहुंचेंगे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सत्ताधारी वाईएसआर कांग्रेस और विपक्षी टीडीपी के समर्थकों में भिड़ंत हो गई, जिससे पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इस हंगामे की शुरुआत तब हुई जब वाईएसआर कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर प्रदर्शन करने की कोशिश की, जिस पर टीडीपी के लोग भड़क गए और फिर चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर दोनों पार्टियों के लोग आमने सामने आ गए, जिसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला और हंगामा कर रहे लोगों को अलग करने में जुट गई। लेकिन इसी बीच वाईएसआर कांग्रेस के कुछ लोगों ने टीडीपी के समर्थकों पर लाठियों से हमला कर दिया। इसके बाद तो समझिए कि वो इलाका अखाड़े में तब्दील हो गया। ऐसा लगा कि दोनों दलों के कार्यकर्ता एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हों। इतनी लाठियां भांजी गईं कि कई लोग जख्मी तक हो गए।
ऐसा नहीं था कि इस दौरान पुलिस वाले खामोश बैठे रहे, उन लोगों ने इस मारपीट को रोकने में पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन दोनों पक्षों के लोग इस तरह उलझे थे कि उनके लिए भी इस लड़ाई को खत्म कराना मुश्किल हो गया। हालांकि कुछ देर बाद वाईएसआर कांग्रेस और टीडीपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने किसी तरह वहां से हटा दिया, जिससे हंगामा शांत हो गया। बताया गया कि टीडीपी के एक नेता ने मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ बयान दिया था, जिसके बाद वाईएसआर कांग्रेस के लोगों ने टीडीपी के खिलाफ मोर्चा खोला। वहीं इस मारपीट के खिलाफ राज्य के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। इस मुद्दे पर गुंटूर में टीडीपी के कई समर्थक डीजीपी ऑफिस के सामने पहुंच गए और विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू के घर के बाहर हुई मारपीट के विरोध में हंगामा किया। देश में रेलों का संचालन करने वाली कंपनी IRCTC की क्रूज सेवा शुरू होने वाली है। क्रूज का पहला सफर शाम 4 बजे मुंबई से शुरू होगा और करीब 100 यात्री क्रूज पर सवार होंगे। ये पहली बार होगा जब IRCTC क्रूज का संचालन करेगी। अपने पहले सफर पर IRCTC का क्रूज मुंबई से गोवा जाएगा। बताया गया कि इस क्रूज पर 2000 यात्रियों के लिए सुविधा है, लेकिन कोरोना नियमों की वजह से अभी ज्यादा लोगों को यात्रा की इजाजत नहीं दी गई। दक्षिण कोरिया से चल रहे तनाव के बीच उत्तर कोरिया ने इस बार ट्रेन से मिसाइल दागकर अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। उत्तर कोरिया ने एक हफ्ते के अंदर 2 मिसाइल का परीक्षण कर दक्षिण कोरिया के लिए नई चुनौती खड़ी कर दी, क्योंकि उत्तर कोरिया के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब उसने ट्रेन से मिसाइल दागी हो। उत्तर कोरिया की तरफ से इस परीक्षण का एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें एक मिसाइल ट्रेन की एक बोगी से ऊपर आई और फिर आसमान की तरफ उड़ने लगी। इससे पहले 2 बोगियों वाली इस ट्रेन को पहाड़ियों के बीच बने एक टनल से बाहर लाया गया। इसकी पिछली बोगी में मिसाइल रखी थी और फिर मिसाइल का परीक्षण करने वाले लोग ट्रेन से उतरकर दूर चले गए, क्योंकि एक आदमी ट्रेन की पहली बोगी में रहकर इस काम को अंजाम देने में जुट गया। कुछ ही देर में उस बोगी का ऊपरी हिस्सा खुला और फिर मिसाइल लॉन्च कर दी गई। बताया गया कि ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक मार कर सकती है। यूपी के कानपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां सीसामऊ विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी की 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से तीखी बहस हो गई। आरोप है कि विधायक के काफिले ने ट्रैफिक नियमों को तोड़ा, जिस पर उन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों ने एतराज जताया। बस यही बात समाजवादी पार्टी के विधायक को पसंद नहीं आई और वो उन दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से बीच सड़क पर भिड़ गए। इस हंगामे की जो तस्वीरें सामने आई, उनमें इरफान सोलंकी ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को धमकाते नजर आए। केवल SP नेता ही नहीं, उनके साथ मौजूद पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी विधायक के सुर में सुर मिलाए। विधायक से बात कर रहे हो, हम जानते हैं, माननीय होता है। लेकिन मामला शांत होने की जगह बढ़ता ही चला गया। सामने आई तस्वीरों में ये साफ दिखा कि इरफान सोलंकी को एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का लगातार उन्हें जवाब देते रहना रास नहीं आया। शायद यही वजह रही कि उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। सोच में रहना मुझसे सर, सुनिए समझे, इधर सुनिए सर, फोटू या बगैर हेलमेट के हम लोग ले रहे हैं, वर्दी दूंगा। इस बीच उन्होंने पुलिस कमिश्नर असीम अरुण को फोन मिलाया और उनसे दोनों ट्रैफिक पुलिसकर्मियों की शिकायत की। दोनों का फोटो भेज रहा हूं। बाद में समाजवादी पार्टी विधायक ने इसे उनके खिलाफ साजिश करार दिया। फोटो खींच के घर पे चालान भेजते हो, इससे पहले तमाम BJP के बड़े बड़े नेता आते हैं, तमाम लोग आते हैं, जब ये BJP ये पुलिस वाले फोटो नहीं खींचते। बताया गया कि समाजवादी नेता अबू आसिम आजमी का स्वागत करने के लिए इरफान सोलंकी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ निकले थे, तभी ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट मोटरसाइकिल से जा रहे कार्यकर्ताओं की फोटो खींच ली, जिस पर विधायक भड़क उठे। अपनी तुलना राखी सावंत से किए जाने पर सिद्धू ने पलटवार किया। आम आदमी पार्टी ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की तुलना राखी सावंत से कर दी। ये तुलना नवजोत सिंह सिद्धू के उस बयान पर की गई, जिसमें उन्होंने केंद्र के कृषि सुधारों के बहाने दिल्ली सरकार पर हमला बोला। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विच प्राइवेट मंडी स्थापित करने दे लई मोदी सरकार दे खेती कानूना विचों एक नूं नोटिफाई किया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर सिद्धू को पंजाब की राजनीति की राखी सावंत बता दिया। राघव चड्ढा को जवाब देने के लिए सिद्धू ने भी एक ट्वीट किया और उन पर तंज कसा। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमेटी बनाई, जो टिकट के दावेदारों के नाम छांटेगी। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के नांदेड़ में CRPF के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने पौधा लगाया। इसी के साथ CRPF ने देश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने के अभियान को पूरा कर लिया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है, उसी दिन
हम ये लक्ष्य को पूरा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। उन्होंने पूंछ में एक कार्यक्रम के दौरान जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर सेना पर ही विवादास्पद टिप्पणी कर दी। आज की जो मुसीबत है उसकी कोई कसर नहीं है, मगर वो हर जगह मौजूद है, कोई बात करता है, दबान खोलता है, शाम को पुलिस वाला पकड़ के ले जाता है। इस बयान के सामने आते ही बीजेपी ने उन पर पलटवार करने में देरी नहीं की। महबूबा मुफ्ती जी की फितरत रही है कि देश के देशभक्त लोगों का अपमान करना, लेकिन महबूबा मुफ्ती जी की जमीन खिसक चुकी है। वहीं कांग्रेस ने भी महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर एतराज जताया। भारतीय सेना के ऊपर सवाल उठाने की मैं घोर निंदा करती हूं। उनका सर्वोच्च बलिदान है कि आज देश सुरक्षित है। मुंबई में सोनू सूद के घर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का सर्वे जारी रहा। प्रधानमंत्री मोदी सुबह कोरोना वैक्सीन के अभियान में अहम भूमिका निभाने वाले गोवा के स्वास्थ्य कर्मियों से ऑनलाइन बात करेंगे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में रेलवे स्टेशन जैसा गणपति पंडाल बनाया गया। इसमें दिखाई गई लोकल ट्रेन की कलाकृति के अंदर गणपति की मूर्ति विराजमान की गई। आतंकी साजिश रचने के आरोपी जीशान कमर ने अब तक की पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज उगले हैं। इनमें से कुछ सुराग ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। जीशान ने पूछताछ में विस्तार से बताया कि किस तरह टेरर नेटवर्क तैयार हुआ और उसे क्या टारगेट दिया गया। पाकिस्तान के थट्टा से ट्रेनिंग लेकर लौटने के आरोपी जीशान कमर ने पूछताछ में जो कुछ बताया उससे जांच एजेंसियों की पेशानी पर बल पड़ गए। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा मामले पर कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। इस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली पुलिस सहित कई राज्यों और सुरक्षा बल की एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मौजूद थे। इनमें NIA, रॉ, सेना के अलावा मुंबई और दिल्ली समेत कुल 14 एंटी टेरर यूनिट के प्रमुख मिले। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए कई राज्यों के ATS प्रमुख एक दिन पहले से ही दिल्ली पहुंचने लगे थे। इस कॉन्फ्रेंस में जो नक्शा नजर आया उसमें दिल्ली के अलावा पंजाब के कुछ शहरों और जम्मू कश्मीर की सीमा से जुड़े इलाकों को हाईलाइट किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद आतंक की चुनौतियों से पार पाने के लिए उन राज्यों से बेहतर कोऑर्डिनेशन की तैयारी है जो आतंकियों के निशाने पर है। इसके अलावा खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारियां किस तरह तुरंत आपस में साझा हों और इन जानकारियों पर कैसे काम हो इसका खाका खींचा गया। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया वो दिल्ली, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से हैं। इसके अलावा इस मॉड्यूल से जुड़े कई संदिग्ध फरार हैं। बताया गया कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटे संदिग्ध आतंकी जीशान ने जांच एजेंसी के सामने कबूला है कि वो देश के कई राज्यों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की ताक में था। इसी मकसद से टेरर के इस नेटवर्क को बनाया गया था। उसके निशाने पर देश के सभी महानगर और कई बड़े शहर थे। उसे इस काम में भारत में रह रहे नेटवर्क के कुछ लोगों से मदद मिलने वाली थी जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद उसे इन मददगारों की लिस्ट दी गई थी और भारत लौटने पर इनसे मिलने को कहा गया था। बताया गया कि जीशान कमर ने कबूला है कि उसे जहां ट्रेनिंग मिली वहां जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी, इसलिए इस टेरर नेटवर्क के स्लीपर सेल जैश और लश्कर के लिए काम करने वाले बताए जा रहे हैं। जीशान कमर के कई खुलासे होश उड़ा देने वाले हैं। बताया गया कि जीशान ने पूछताछ में कबूल किया कि उसने ट्रेनिंग के वक्त ये सुना था कि आतंकी संगठन भारत के करीब हर हिस्से को धमाकों से दहलाने की साजिश रच रहे हैं। साजिश की उसी कड़ी में एक जिम्मेदारी उसे भी मिली। जीशान के हवाले से ये बताया गया कि जो लोग उन्हें बम बनाने और धमाकों की ट्रेनिंग दे रहे थे वे आतंकियों के छोटे छोटे ग्रुप को ट्रेनिंग नहीं देते थे। जाहिर है पाकिस्तान के आतंकी संगठन कोई बड़ी साजिश रच रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियों को लग रहा है कि इन 6 संदिग्धों को गिरफ्तार कर उन्होंने कम से कम 5 सीरियल ब्लास्ट की साजिश को तो नाकाम कर ही दिया है। भारत में दहशत फैलाने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी संगठनों के साथ ही अंडरवर्ल्ड से भी हाथ मिला लिया है। पाकिस्तान को इस काम में उसकी जमीन पर छुपे दाऊद की डी कंपनी का साथ मिला है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक डी कंपनी के अनीस इब्राहिम गुट को भारत में सीरियल ब्लास्ट के लिए फंडिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तक की जिम्मेदारी दी गई। पकड़े गए 6 आतंकियों में से 2 जॉन मोहम्मद शेख और मूलचंद पर अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने का आरोप है। इसके अलावा डी कंपनी के लिए काम करने वाले कम से कम 3 स्लीपर सेल की मदद इस साजिश को अंजाम तक पहुंचाने में मिलने वाली थी। डी कंपनी की मदद से ये सभी 1993 के ही तरह सीरियल ब्लास्ट को अंजाम देने की साजिश पर काम कर रहे थे।
बताया गया कि जिशान ने पूछताछ में कबूल किया कि धमाकों के लिए पटरियों और भीड़भाड़ वाली जगहों की पहचान और रेकी का काम हो रहा था। उनके निशाने पर फैक्ट्री, निजी गोदाम और बड़े शोरूम भी थे। साजिश के मुताबिक रेकी के बाद आग का काम करने के लिए ये सभी एक जगह मिलने वाले थे, लेकिन 70 खुफिया एजेंसियों से मिले सुराग के बाद संदिग्धों पर तकनीक की मदद से नजर रखे जाने लगी और वक्त रहते इन्हें दबोच लिया गया। बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है और इसमें दिल्ली पुलिस, जो यूपी पुलिस और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, सबके बीच में तालमेल का ये नतीजा है। इसमें एक स्लीपर मॉड्यूल पकड़ा गया है और उनके साथ में एक आईईडी भी रिकवर हुआ है और इस संबंध में दिल्ली में एक मुकदमा भी कायम है और इसमें सभी एजेंसीज मिलके इसमें आगे कार्रवाई कर रही है। जिशान सहित 6 संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ेगी, कई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आएंगी। T20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने के ऐलान के बाद विराट कोहली के इस फैसले से जुड़ी एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। न्यूज 18 के अमृत आनंद की रिपोर्ट है कि कुछ दिन पहले विराट कोहली ने टीम इंडिया के चयनकर्ताओं को प्रस्ताव दिया था कि रोहित शर्मा को वनडे की उपकप्तानी से हटा दिया जाए। इस प्रस्ताव के लिए उन्होंने रोहित शर्मा की उम्र का हवाला दिया था, लेकिन खबर है कि चयनकर्ताओं को विराट कोहली का प्रस्ताव पसंद नहीं आया। एक दिन पहले ही विराट ने ट्विटर पर ऐलान किया था कि वो अक्टूबर में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट से सबसे छोटे फॉर्मेट से की कप्तानी छोड़ देंगे, लेकिन वनडे और टेस्ट टीम के कप्तान बने रहेंगे। लेकिन अब खबर यह है कि विराट कोहली ने चयनकर्ताओं को जो प्रस्ताव दिया था, उसके बाद उनकी वनडे की कप्तानी भी खतरे में पड़ सकती है। बड़ी खबर आ रही है ISI और अंडरवर्ल्ड के आतंकी मॉड्यूल से जुड़ी हुई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मुंबई से जाकिर नाम के एक संदिग्ध को भी हिरासत में लिया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की खबर है कि जाकिर ने ही गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी जान मोहम्मद उर्फ समीर कालिया को मुंबई में हथियार और विस्फोटक लाने को कहा था। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी ISI और अंडरवर्ल्ड से जुड़े आतंकवादियों के कनेक्शन में फरार संदिग्ध हुमैद उर रहमान ने सरेंडर कर दिया है। हुमैद दिल्ली से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी ओसामा का चाचा है। हुमैद से पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। यूपी को हरियाणा से जोड़ने वाले ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर नजर रखने के लिए गाजियाबाद में हाईटेक कंट्रोल रूम बनाया गया। बताया गया कि ट्रायल के तौर पर यहां से एक्सप्रेसवे पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। ताकि 135 किलोमीटर लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर हादसों को रोका जा सके, इसके लिए गाजियाबाद के डासना में एक हाईटेक कंट्रोल रूम तैयार किया गया, जहां एक्सप्रेसवे के चप्पे चप्पे पर नजर रखने के लिए एक टीम तैनात की गई। CCTV कैमरों के जरिए निगरानी के लिए वहां एक बड़ी स्क्रीन भी नजर आई। बताया गया कि जैसे ही एक्सप्रेसवे पर किसी गाड़ी की रफ्तार कम होती है या वो अचानक रुकती है तो ये टीम अलर्ट हो जाती है। इसके बाद एक्सप्रेसवे पर पेट्रोलिंग कर रही दूसरी टीम को यहां से खबर दी जाती है, ताकि वो उन गाड़ियों तक पहुंचकर लोगों की परेशानी को तुरंत दूर कर सके। इस जगह से 50 किलोमीटर की दूरी पर ये ट्रक खड़ा है, लेकिन यहां से मॉनिटर किया जा रहा है। कंट्रोल रूम की तरह ही पेट्रोलिंग कर रही टीम भी अपने काम में मुस्तैद नजर आई। खबर है कि जल्द ही दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह का एक कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगाम से, जहां आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले आज ही एक दूसरे आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी भी शहीद हो गया था। आतंकी संगठन TRF की तरफ से इन दोनों आतंकी हमलों की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया है। इससे जुड़ी चिट्ठी भी सामने आई है, जिसमें इन दोनों लोगों को सुरक्षा बल के लिए काम करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर अमेरिका के देश मेक्सिको के 210वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राजधानी मेक्सिको सिटी में शानदार कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस समारोह में क्यूबा के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए, जिनके सामने मेक्सिको की सेना के जवानों ने कई हैरतअंगेज करतब दिखाए। लेकिन सबसे ज्यादा तालियां तब बजी जब हवाई जहाज से पैराशूट की मदद से जवान अपने देश का झंडा लिए जमीन पर उतरे। इस नजारे को देखकर दोनों देशों के राष्ट्रपति अपनी अपनी कुर्सी से उड़ गए और उनकी हौसला अफजाई की। इसके बाद वहां हथियारों से लैस जवानों ने परेड निकाली, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग जोश में आ गए। परेड देखने आए लोगों ने कोरोना के खतरे का भी ख्याल रखा और मास्क लगाना नहीं भूले। यूपी के मुजफ्फरनगर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां छेड़खानी का विरोध करने पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया गया कि इस मारपीट में कुछ लोगों को मामूली चोटें भी आईं, क्योंकि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू दिखे। उन्होंने लाठियां उठा ली
और उनसे एक दूसरे पर हमला करने लगे। ऐसे में वहाँ चीख पुकार मच गई। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। इस मामले में एक पक्ष ने आरोप लगाया कि उनके पड़ोस में रहने वाले कुछ लड़के अक्सर उनके घर की महिलाओं के साथ बदतमीजी किया करते हैं। हाँ बदतमीजी कर रहे हैं, हम प्यार से समझा जब भी पास नहीं आए। इस मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। आगे की विधिक कार्रवाई कर रहे हैं कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त हैं। बताया गया कि इस मामले में एक महिला ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवा दी, जिसके बाद पुलिस इस केस की जांच में जुट गई।